हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए हम बेबी स्वेटर में डिज़ाइनर हुड कैसे बना सकते हैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब हम छोटा सा ये मैंने एक बेबी स्वेटर बना रही हूँ। मैं ये देखिए, इसका डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये उसका थर्ड पार्ट है। तो इसमें मैंने आपको हम इसका कैसे बना सकते हुड कैसे बनाते हैं आज मैं वो आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये मैंने तीनों पीस एक साथ बनाए थे। ये फ्रंट है, ये हमारा बैक है और ये दूसरा फ्रंट। तीनों पीस मैंने एक साथ बनाए थे, फिर मैंने इसमें ये रीग्लेन घटाई की थी। ये मैंने इसमें रीग्लेन घटाई की हुई है और ये मेरी स्लीव्स हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स हमने ऐसे डाला है। पहले हमने एक पीस डाला, फिर एक स्लीव्स, फिर ये बैक का पीस, फिर एक स्लीव्स और फिर हमने दूसरा पीस। ऐसे हमने ये पांचों पीस डाल लिए हैं। देखिए, ये हमारा फ्रंट का राइट वाला पीस है, फिर हमारे ये स्लीव्स है, ये देखो ये मेरी स्लीव्स है, और ये फिर मेरा बैक वाला पीस है ये वाला, फिर ये मेरी दूसरी स्लीव्स है ये, और ये मेरा फिर लेफ्ट साइड वाला पीस है। तो इस तरह से मैंने पाँचों पीस सिलाई में डाल लिए। इसमें मेरे पास टोटल 80 फंदे थे। 15 फंदे मेरे 15 फंदे फ्रंट के इस पार्ट में थे और 15 इसमें लेफ्ट और साइड दोनों वालों में 15 थे। 15 एक बाजू में थे और 15 एक बाजू में थे। तो इस तरह करके मेरे पास ये 60 फंदे हो गए और 20 फंदे मेरे बैक में थे, पीछे वाले पीस में 20 फंदे थे। तो ये फंदे मेरे ऐसे करके 80 फंदे हो गए हैं। मैंने ये 80 फंदे एक सिलाई में ले लिए हैं। अब हम इन 80 फंदों का दो उल्टे दो सीधे का पहले बॉर्डर बनाते हैं ताकि हमारी हुड अच्छी बने। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट हुड बनाते हैं तो ये बच्चे के नेक में लूज़ पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं 7 सिलाई का दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बना लेती हूँ। मेरे फंदे पूरे 80 थे और 80 ही हमें गले में चाहिए थे। अगर हमारे फंदे यहाँ ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें घटाकर 80 फंदे हमें कर लेना है, बट मेरे 80 ही थे इसलिए मुझे कोई घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैं इसकी 7 सिलाई दो उल्टा दो सीधे फंदों का बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। अब हमने एक फंदा दो सीधे, अब दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे। ऐसे करके हम 7 सिलाई का बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गले के लिए 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं और ये अब हम यहाँ पर हुड बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास 80 फंदे थे लेकिन हमें हुड बनाने के लिए 86 फंदे चाहिए, तो अब उसी उल्टी सिलाई में मैं 6 फंदे बढ़ा लेती हूँ। और ये जो मैंने आपको पहले भी मैंने ये किनारी बनानी बताई थी, अब हम हुड में दोनों साइड कैप में ये वाली, जैसे हमने नीचे ये बटन पट्टी के लिए किनारी बनाई है इधर और इधर, सेम यही पट्टी हम ऊपर तक चलाएंगे। तो हम इधर भी 7 फंदों की पट्टी बनाएंगे। पहले इसके लिए हम दो फंदे एक और एक दो फंदे पहले मैंने आपको बताया था उतारने हैं, तो ये दो फंदे हम उतार लेते हैं। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये मैंने 6 फंदे, दो फंदे हमारे किनारी के लिए, 2, 4, 6 फंदे हमारे उल्टे पट्टी के हो गए। अब हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, बीच में हम यहाँ से यहाँ तक 6 फंदे बढ़ाएंगे और इस तरह हम उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बनाएंगे, इसमें हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे। यहाँ मैं एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, ये देखिए, यहाँ मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है। इसी तरह हमें इसमें पूरी सिलाई में 6 फंदे बढ़ा लेनी है। ये देखिए, ऐसे ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। लास्ट के हम ये दोनों फंदे बुन लेते हैं।
अब हमारे पास ये 86 फंदे हो गए हैं। और जो मेरा स्वेटर में पैटर्न है, ये देखिए जो मेरा पैटर्न स्वेटर में है, यही पैटर्न अब मैं कैप में हुड में कंटिन्यू करती हूँ। तो हुड में ये किनारी जो हमारी नीचे से चल रही है, यही कंटिन्यू होएगी। इसके लिए हम पहला फंदा सिंपल उतारेंगे और दूसरा भी उतारेंगे। दो फंदे उतार लिए हमने, अब हम धागा आगे ला के 6 फंदे बुनेंगे किनारी के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम धागा पीछे ले गए और ये अपनी सिंपल सिलाई बनाएंगे। और इधर भी हम 6 फंदों की किनारी बनाएंगे, ये वाली हुड के लिए। बाकी हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपका स्वेटर में डिज़ाइन है, आप वो डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 इंच की हुड सिंपल बना लेती हूँ। अब हमें इसमें ना कोई फंदा घटाना है और ना बढ़ाना है। अब हम इसको 5 इंच बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना, मैंने आपको कहा था हमें 5 इंच बनाना है। तो जो मेरा नीचे डिज़ाइन था, मेरा जो स्वेटर में नीचे डिज़ाइन है, वही सेम डिज़ाइन हमने यहाँ पर 5 इंच का, 86 फंदों में ये हमने 5 इंच का सेम डिज़ाइन बना लिया है। और 5 इंच का डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर, ये देखिए 5 इंच का डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हमारे पास ये 86 फंदे थे। और हमने इन फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 84 हमने इधर रखे, 28 इधर रखे हैं, 28 इधर, 28, 28, 56 और 30 फंदे हमने सेंटर में रखे हैं। इस तरह से ये हमारे 86 फंदे हो गए हैं। 28 + 28 + 30, तो इस तरह से ये हमारे 86 फंदे हो गए। फिर हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच के करीब, मतलब जितना भी हमारा होता है, इसको हम ऐसे, ये जो हमने ये बुनाया है, ये इसको इसका हाफ़ करके देख लेते हैं। ऐसे इस तरह से आधा इधर और आधा इधर हमने इसको ऐसे बना लिया और ये ऐसे पूरा हो गया है। तो हमने ये फ्लावर का एक डिज़ाइन इसके ऊपर डाल लिया है। इट मीन्स हमें इसके ऊपर उतना बुनना है ताकि जो ये हमारा सेंटर का पार्ट है, 30 फंदे हमने घटाए थे, इसको हमें आधा करके देख लेना है। और ये हमें इतना हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इतना बना लिया है ऐसे। अब हम ये दोनों पार्ट, ये वाला और ये वाला, दोनों ऐसे इकट्ठा लेंगे और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, जैसे हम 3 सिलाई में कैप वगैरह के या मुट्ठू के फंदे घटाते हैं, या जिस तरह से भी आप घटाते हैं वैसे ही आप इन फंदों को घटा सकते हैं। ये देखो, अब एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक इस सिलाई से लेंगे। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, ये देखो। और अब हम इस वाले फंदे को, पीछे वाले को, इस पर स्लिप कर देंगे। फिर हम एक फंदा इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे और ये फंदा हम इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। ऐसे ही हम अपने ये 28 और 28 फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये अपने फंदे सारे घटा लिए हैं। अब ये हमारे पूरे फंदे घट गए हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे फंदे घट गए हैं। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह ये हमारे फंदे घट गए हैं। अब हमारा ये जो पार्ट है, ये अब हम इसको ऐसे, इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच करने से पहले यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये हमारा, ये हमारी हुड हो गई है और ये हमारा आगे का फ्रंट का हिस्सा है और ये हमारा सर पीछे आएगा। तो अब हम इसमें, पहले हम इस तरह से छोटे छोटे 4 कान बनाएंगे। ये देखो, ये मैंने 9 फंदे का बनाया है, 9 फंदों का, और इसमें मैंने 14 सिलाई बनाई है। इसी तरह से मैंने एक और बना लिया है, ये देखो 2 बन गए हैं हमारे। ये मैंने 9 फंदों के बनाए हैं।
और फिर ये मैंने 7 फंदों का बनाया है रेड कलर का। ये हमने 7 फंदों का बनाया है। तो इस तरह की भी हम 2 बनाएंगे। ये देखो दूसरा हमारा ये रहा, ये मैं 7 फंदों का बनाया है, साइड के 2-2 फंदे उल्टे और बीच के 3 सीधे, और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रहेगी। इसी तरह मैंने इसमें किया है, साइड के 2-2 फंदे उल्टे और बीच के 5 फंदे सीधे। अब हमने जब ये फंदे, इस वाले में मैंने 14 सिलाई यानी कि 14 सिलाई का बनाया है, और ये वाला मैंने 10 सिलाई का बनाया है। तो अब इसमें हमारी ये 10 सिलाई हो गई है। ऊपर से हमने इसको ऐसे ऐसे जो हमने इसमें राउंड बनाए, ये कैसे बनाए ये मैं आपको ये वाला बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके लिए हमने सुई में धागा डाल लिया है, और अब हम ये जो हमारे 7 फंदे हैं, 7 फंदे हम ऐसे सुई में ले लेते हैं। ये देखो हमने 7 फंदे ले लिए हैं ऐसे। अब हम इसमें एक बार और सुई साफ कर एक कर देते हैं। ये इस तरह से हमने ये वाले 4 पीस बनाए हैं। तो अब हम एक वाइट और एक रेड पीस लेते हैं, और इसको ऐसे ऐसे जहाँ ये जो हमारा ये ओपन वाला पार्ट है इसको हम छोड़ देते हैं, जहाँ हमने सुई से किया था, जहाँ हमने फंदे डाले थे इसको हम अभी सुई में वाइट धागा डालते हैं। ये देखिए हमने सुई में वाइट धागा डाला, और जो हमने ये सुई से बंद किया था उस पार्ट को हम दोनों को ऊपर रखेंगे और नीचे। अब हम इन दोनों को एक साथ ऐसे थोड़ा सा स्टिच कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे में से निकले नहीं। ये देखिए ये ऐसे ही सिंपल सा हम इसको एक एक टाँका मार लेते हैं। ये हमने इसमें एक एक टाँका मार लिया है। अब हम ये जो कैप है, ये जो हमारा हुड है, ये जो ओपन पार्ट है इसका, यहाँ इसको कॉर्नर में यहाँ इस तरह से इसको हम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल कोने में ऐसे हल्का सा अटैच कर देते हैं। ये हमें जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है जो 30 फंदे थे उसमें अटैच करना है, तो हम इसको यहाँ पर अटैच कर दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं करना है, बस ये ना निकले ऐसा करना है, क्योंकि उसके बाद हमें इसको पक्का स्टिच करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले 2 पार्ट को इधर अटैच कर देते हैं। ये देखिए ये हमने इधर अटैच किया और ये वाला हमने इधर, इस तरह हमने दोनों को अटैच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इस सब को हम अंदर डाल देते हैं ऐसे, इसके भी एक्स्ट्रा थ्रेड अंदर डाल देते हैं ऐसे। अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं। ये हमने इसको उल्टा किया, और अब हम इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए हमने इसको ऐसे उल्टा कर लिया, और उल्टा करके हमें ये हमारी सिलाई जो हमने फंदे घटाए थे ये हमारी सेंटर में रह गई। और अब हम यहाँ पर इसको बड़ी सफाई के साथ यहाँ से लेके और यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं। इसको हम पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखो कितनी प्यारी हमारी ये हुड बनी है। अभी ये जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इनको हम सुई की हेल्प से पीछे कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड था
इसको हम ऐसे ले जाते हुए ऐसे, और इसको हम यहाँ पर ऐसे हाथ डालकर पीछे निकाल देते हैं। इसी तरह हम ये सारे धागे, ये वाला, ये सब कर देते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी कितनी प्यारी हुड तैयार हो गई है। ये हमारा हुड देखो, ये जब बच्चे को हम पहनाएंगे तो बहुत प्यारा, बिल्कुल रैबिट वाली बहुत प्यारी सी एक हुड तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके दो पार्ट पहले भी डाले हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप इसी स्वेटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये देखो पीछे से भी बहुत प्यारी कैप बनेगी, बहुत सुंदर हुड बनेगा, रैबिट वाला हुड। ये देखिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।